वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं तो मजीद और भी लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? फातिमा। आपका नाम? नादिया। कौन सी क्लास में हैं आप? आप क्या करती हैं? मैं कुकिंग। कुकिंग करती हैं। आप दोनों का रिश्ता? आंटी और खाला। जी खाला है। चलिए मुझे बताइए, लिपस्टिक आपने लगाई है या लिपस्टिक आपने खाई है? पूरे मुंह पे लिपस्टिक लगाई हुई। चिप्स खाए थे? नहीं। कैप तो बड़ी अच्छी लग रही, कहाँ से ली है? घर से। चलो जी मैं सवाल करती हूँ, वो कौन सी आवाज़ है जो आपको तो आपको नहीं आती बाकी सबको आती है? ओय 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 ओय। क्या सुनाएंगे? ऐसे भी रेसिपी फातिमा से सुन ले। नहीं आप कुकिंग करती हैं ना जी, चलिए कोई अच्छी रेसिपी बताएं। मैं आपको ये आप सोचें तब तक ये पॉइंट सुनाती है। चलें आपने क्या सुनाना? आप सोचें ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अब आधा वाज सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। चलें बताएं रेसिपी। मैं रेसिपी बताऊंगी ये कस्टर्ड बनाने की। पहले दूध को गर्म कर लें और फिर उसके अंदर कस्टर्ड डालें और बाद में वो चीनी वगैरह डालें और फिर फ्रिज में रख दें, 10 से 15 मिनट तक कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। घर में कुकिंग करती हैं या प्रोफेशनली लेके चलते? ये ले जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गया। वेलकम जी। अगेन मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, अगर आप सुनना चाहते हैं तो, ना भी सुने तो आपकी मजबूरी है सुनना। वो ये है, मजाक करी थी, कॉन्फिडेंस पैदा करें अपने अंदर। इवन जब खासतौर से आप मेरे साथ होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत नाइसली हूँ, आप लोगों से प्यार से बात करूँ। वैसे ही मुझे सबसे बहुत प्यार है, लोगों को इतना कॉन्फिडेंस दूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, सामने देखो, रिलैक्स हो जाओ। आहिस्ता आहिस्ता आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए। जब इस तरह की जैसे बच्ची थी, इतनी डर रही थी, सहम रही थी, मैंने क्या, मैंने तो उल्टा आपको बेटा गिफ्ट देना है, अप्रिशिएट करना है। तो बच्चों में आप मैं कहूँगी ये वो बच्चे हैं जिनको माँ बाप ज़्यादा डांटते हैं, उन बच्चों को जो है आदत ख़त्म हो जाती है ज़्यादा बोलने की। तो अपने बच्चों को ज़्यादा डांटा ना करें ताकि उनमें ये आदत डेवलप रहे। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम आयशा। बेबी का नाम? मोहम्मद इस्माइल। क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। चले जी मुझे बताएं, मेरा आपसे सवाल है, ठीक है, दुनिया का सबसे सरसब्ज मुल्क कौन सा है? आई हैव नो आइडिया। सुनाएंगी आप? मैं ब्यूटी टिप दूंगी। बताएं। सर्दियों में मलाई लगाए तो चेहरा बहुत ग्लो अप करता है। बेबी मेरा आप भी देखी जा रहा है। कहाँ हो गया, सर्दी लग ली है, था कुछ पहना हुआ है, ऐसे सर्दी हो गई एकदम। ये लेंगे, लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए। वेलकम जी। इन्होंने बताया है, टिप दी है कि अगर आप चेहरे पे मलाई लगाएं तो आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है। मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए एलैबोरेट कर देती हूँ। मलाई वो लोग लगाएं जिनकी स्किन ड्राई है। अगर आपकी स्किन हद से ज़्यादा ऑयली है तो आप मलाई नहीं लगाएंगे। इन्होंने जो टिप दी वो अच्छी है, मगर उनके लिए जिनकी स्किन नॉन ऑयली है। किसी और से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। क्या करते हैं आप? दारुल सलाम में होता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपका है कौन? जी, ये मेरा। आप मुझे बताएंगे यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे कुरान पाक। आप आज साथ साथ बेशक चल के बता दें पर ऊँचा बोले। कुरान पाक होते हैं, तफसीरें होती हैं, इधर कसस लंबिया है और हमारी जो है तजलियात नबूवत है, नमाज नबवी है, कुरानी कायदे होते हैं, बच्चों के लिए बुक्स हैं, कोई 500 के करीब बुक्स होती हैं बच्चों की। उसके अलावा हमारे 36 जबानों में ना कुरान पाक के तर्जमे हुए हैं। माशाल्लाह। 36 जबानों में तर्जमे हुए हैं और हमारा नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में है। माशाल्लाह। इसका जो है ना सबसे पहला सऊदी अरब में इसका हुआ, शुरुआत हुई है। तो हमारे जो ऑनर हैं वो सऊदी अरब में होते हैं, उनका नाम है अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब, वो उधर होते हैं सऊदी अरब में। इनमें यहाँ पे जो हैं अवकाशा साहब हैं वो डील करते हैं इधर। वो मैं क्या प्राइस है? ये 120 का रिंग काउंटर है ये। ओके, ये फिक्स होते हैं। माशाल्लाह तस्वीरें भी बहुत प्यारी है ना, मैं एक दिखाती हूँ ताकि लोगों को पता। आप देख सकते हैं क्रिस्टल की है, बहुत खूबसूरत तस्वीर। क्या प्राइस है इसकी? 200। वाह माशाल्लाह। अच्छा अक्सर वाह, ये वाइट वाली देखें,
लोगों को ना बड़ी मुश्किल से अच्छी कलेक्शन मिलती है, ये बहुत अच्छी है, मैं तो रिकमेंड करूँगी जिसने लेना है वो यहाँ से आके ले। और अंकल मुझे ये ओरिजिनल जमजम 100% होते हैं जमजम, ये 10 लीटर की पैकिंग आती है, हम इसको लीटर लीटर जितना जिसके यूज़ के लिए हो वो लीटर। तो ये कितने का? ये 500 का। अच्छा 500, वही ना, ये तो माशाल्लाह इतनी चीज़ें हैं कि जिसमें जितना मर्जी आप महंगा हो वो कम है, इतनी माशाल्लाह अजीम चीज़ें। ये क्या है? शायद है, हाँ वैसे कल्ब है जो हार्ट के मरीज़ होते हैं ना उनके लिए है। मुहावजे कल हार्ट के मरीज जो होते हैं ना जिनको बाईपास का कह देते हैं डॉक्टर, तो ये यूज़ करते हैं तो उससे उनको शफा होता है। अच्छा, और ये जो अजवा पेस्ट है? अजवा पेस्ट भी इसी पर्पस का प्राइस है, ये 1350 की हाफ के जी। 1350 जी। नाजिन आपसे प्राइस का मैंने इसलिए मेंशन करवाया आपको कि आप लोगों को एक डाउट होता है कि चीज़ें ओरिजिनल है या नहीं ओरिजिनल, तो जैसे कि उन्होंने बताया माशाल्लाह इंशाल्लाह ओरिजिनल होती है। हमारे जो ओनर हैं वो कहते हैं मिलावट बिल्कुल नहीं करनी, 1% भी नहीं करनी, प्राइस आप चाहे आप कर लें लेकिन मिलावट नहीं करेंगे माशाल्लाह। तो जैसे कि इन्होंने बताया ये 100% ओरिजिनल है, और जितना मैंने अभी देखी हैं टच की हैं इसकी क्वालिटी होती है, पूरे वर्ल्ड में ऐसी इस्लामी बुक्स पे ऐसे पेजेस नहीं इस्तेमाल हुए ना ऐसी बाइंडिंग हुई है। हमारी बुक्स 95% जो है वो बाहर की होती है, बेरूत की, सऊदी अरब की, लबनान की, उधर की होती हैं, इधर की हमारी सिर्फ 5% बुक्स होती है जो बच्चों की होती है, छोटी छोटी बुक्स। वेरी नाइस, ये हमारी बुक्स की क्वालिटी है। वेरी नाइस, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी आपको जो लेना है वो आप यहाँ से आके ले सकते हैं, वो आपको ओरिजिनल मिलेगा इंशाल्लाह। जी आप क्या कह रहे हैं? जो भी बुक्स है वो बगैर रेफरेंस के नहीं है, कुरान और हदीस के रेफरेंस से है। कोई भी बात हम कहते हैं तो उसका रेफरेंस साथ मौजूद होता है, नीचे उसका रेफरेंस होगा, उस सीरत से होगा या कुरान से होगा। वेरी नाइस, चले जी आप मुझे बुक्स होती है हमारी बिल्कुल। मुझे बताएं दुनिया का सबसे सरसब्ज मुल्क कौन सा है? कनाडा। चले आपको मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं नमाज के मैसेज दूंगा कि हम लोग जो हैं अपने कारोबार तो करते ही हैं, दुनिया के सारे मामलात करते हैं, लेकिन नमाज की तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं। हमें चाहिए कि हम काम को कहें कि मुझे नमाज पढ़नी है, और नमाज को ना कि मुझे काम है, हमें नमाज की तरफ फोकस रखना चाहिए और अपने सारे मामला जो है जहां हमने जाना है उधर हमें फोकस होना चाहिए कि हमने मरना है, इधर नहीं रह जाना। इधर चंद रोज़ा ज़िंदगी है, हम चंद दिन के लिए इधर आए हैं, हमारा मुसाफरी है, हमने सफ़र पर हैं। जो बंदा सफ़र पर होता है वो जो है इधर अपना एक डेरा नहीं बना लेता, उसको चाहिए कि अपनी आखिरत की तैयारी रखे। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात की आपने लाहौर न्यूज़ की तरफ से, आपके लिए गए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। मैं तो भाई आपको हाईली रिकमेंड करूंगी ऑल दोज पीपल जो लेना चाहते हैं चीज़ें वो यहाँ पे हैं, यहाँ से लें, ओरिजिनल चीज़ें हैं, तस्वीरों की कलेक्शन बहुत अच्छी है माशाल्लाह। कुरान मजीद है उसके लिए तो हम अपनी जान भी दे देते, तो मैं कहूँगी वो कम है माशाल्लाह, बहुत अच्छी चीज़ें। ज़रूर यहाँ पे आइएगा, यहाँ से बाय करें, किसी और से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अली हसन। अली बाल तो बड़े चिपका के बनाए, कैसे बनाए हैं? वाह अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू। चलो मुझे बताओ वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे एक भी कीड़ा मकोड़ा नहीं है? लंदन। क्या सुनाओगे? सॉन्ग। ओ लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब ना हस दिया, ओ लगदी पंजाब दिया जिस हिसाब ना हस दिया, कुड़ी दा पता करो केरे पिंड दिया केड़े शहर दिया, ओ लगदी लाहौर दिया ओ लगदी पंजाब दिया, चैन मेरा लै गई आ ओ दिल विच बह गई आ, ओ बुलियां ते चुप्पियो दी ओ सब कुछ कह गई आ, अखियां ना गोली मार दिया अंदरों प्यार भी कर दिया, अखियां ना गोली मार दिया अंदरों प्यार भी कर दिया, कुड़ी दा पता करो केरे पिंड दिया केड़े शहर दिया, ओ लगदी लाहौर दिया ओ लगदी पंजाब दिया। जबरदस्त, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए। अच्छा कौन सी जेल लगाई है? जेल नहीं लगा, ऑयल लगा। वाओ, तो इसकी तो कोई खुशबू नहीं है, कौन सा ऑयल है? सरों का, सरों का। बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू जी। बच्चे ने तो भाई इम्प्रेस कर दिया, इतने अच्छे लग रहे थे, उसके बाल विद शाइनी एंड वेरी ग्रेसफुल, मेरे बाल कभी नहीं टिकते, सारे शो में मुझे यूं ही करना पड़ता है, और उसके तो ऐसे फिक्स हुए हुए थे। खैर मैं तो ऑयल नहीं लगा सकती भाई, मेरे मुंह पे आ जाता है। जी नाजरीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेनी पड़ेगी आपसे इजाज़त, बहुत मज़ा आया आज आप लोगों के साथ। ओके जो आपके हैं आज के दो सवाल,
वो क्या चीज़ है जो खवातीन अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा देखती हैं? तो उसका जवाब है शीशा। कुछ लोगों ने कहा अपने हस्बैंड को देखती हैं, कुछ लोगों ने कहा कि पता नहीं क्या क्या देखती हैं, लेकिन जो हैं वो शादी से पहले भी तो कुछ देखती हैं ना, हस्बैंड तब तो नहीं होते, तो इसलिए जो खवातीन हैं वो सबसे ज़्यादा शीशा देखती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैं भी बहुत शीशा देखती थी, अब नहीं देखती, पता नहीं क्यों, पता नहीं, मैं शीशा नहीं देखती हूँ। चलें, ओके, दूसरा सवाल मैं आपसे करूँ कि दूसरा सवाल आपका कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा सरसब्ज़ है? तो वो है स्विट्ज़रलैंड। तो और आज का जो टैलेंट ऑफ द डे था वो कोई स्पेसिफिक करना बहुत मुश्किल है, सभी जो हैं वो बहुत अच्छे थे, बेहतरीन थे, मगर वो बात नहीं थी कि जो मेरे को दिल को लगे। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना, मेरा, हम सब का फेवरेट